दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर लिया है और आप कोई पैरा मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं और करने के बाद अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं जिसका नाम है डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप जो है बड़े बड़े MBBS डॉक्टर के साथ में काम कर सकते हैं और जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स क्या है, इसके बारे में आज सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर जो है अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये OT टेक्नीशियन कोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, या फिर डिप्लोमा इन OT टेक्नोलॉजी भी इसे कह सकते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है दोस्तों, जिसे करने के बाद आपको जो है ऑपरेशन थिएटर में MBBS डॉक्टर के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इसके कोर्स टाइप की बात करें हम कि किस तरह का कोर्स होता है, तो दोस्तों ये एक जो है डिप्लोमा कोर्स होता है, जो कि एक डिप्लोमा होता है। और अगर इसके हम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने साल का कोर्स है, तो दोस्तों ये 2 साल में कम्प्लीट होता है। और अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो है 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, PCB से या फिर PCM से, ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आपका इसमें एडमिशन होगा। और अब बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें क्या कंडीशन रखी गई है, हम किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, या फिर मेरिट बेस पर जो है आपका एडमिशन इसमें होगा। बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि एंट्रेंस अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तब इसमें एडमिशन देते हैं, तो बहुत सारे मेरिट बेस पर भी एडमिशन दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरह का कोर्स है। तो दोस्तों, ये एक पैरा मेडिकल कोर्स है जो कि पैरा मेडिकल में आता है। अब इसकी फ़ीस के बारे में हम बात जान लेते हैं कि इसकी कितनी फ़ीस होती है। तो दोस्तों, इसकी जो टोटल फ़ीस होती है पूरे कोर्स की, वो 80,000 रुपये से लेके 1,25,000 रुपये के बीच में ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो एवरेज फ़ीस होती है वो 80,000 रुपये से लेके 1,25,000 रुपये में ये कंप्लीट हो जाता है। ये अलग अलग कॉलेज पर डिपेंड करता है कि किस कॉलेज ने कितनी फ़ीस रखी है, लेकिन इसकी जो एवरेज फ़ीस होती है वो 1,25,000 होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी जॉब के बारे में कि इसे करने के बाद हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है और कितनी सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों, इसके करने के बाद आप जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर दोस्तों आप असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, किसी भी लैब का आप टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों टीचिंग, आप जो है टीचिंग भी कर सकते हैं, हम किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं जहाँ पर ये कोर्स हो। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में कि हमें इसकी एवरेज बेसिक सैलरी कितनी मिल सकती है इसे करके। तो दोस्तों, इसे करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपकी एवरेज सैलरी जो कि शुरुआती आपकी सैलरी होगी, वो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिल सकती है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उसमें आपकी सैलरी जो है 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ आपको मिल सकता है। ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, और जो है अलग अलग हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्पिटल आपको कितनी सैलरी दे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके टॉप कॉलेज के बारे में कि इसके कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो इसके टॉप कॉलेज हैं वो ये हैं, जैसे कि किंग जॉर्जस मेडिकल कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ से भी अगर आप करना चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमृतसर पंजाब, जो कि पंजाब के अंदर स्थित है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी जो है इस कोर्स को कराती है, या फिर ओम साई पैरामेडिकल कॉलेज अम्बाला पंजाब, जो कि पंजाब में स्थित है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ से भी अगर आप करना चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर ईस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बेंगलोर कर्नाटका, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है जो कि इस कोर्स को कराता है, या फिर दोस्तों तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, तो ये यूनिवर्सिटी भी जो है इस कोर्स को कराती है। तो ये सारे टॉप कॉलेज हैं जहाँ से आप ये कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जो है MBBS डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में काम करना है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, 12th के बाद काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है, और इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर हमसे कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।